अब लग रहा है ना दोस्तों कि हाँ भाई होली के होली हो रही यहाँ पे। मैं पकड़ लेता हूँ। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल भैया जी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज हमारा जो प्लान बन गया अचानक से कहाँ का वृंदावन का होली खेलने हम जा रहे हैं। और कौन कौन जा रहा है पहला तो उसको देख लो। तो बताता हूँ हमारा प्लान क्या है। आज हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन। तो वो सबको पता है वहाँ की फेमस होली। तो सबका प्लान बना अब हम जा कैसे रहे। अभी हमें हजरत निजामुद्दीन में है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से जाने का प्लान तो था। पहले बाइक कैंसिल हो गई, कार कैंसिल, लास्ट में हम ट्रेन में आ गए। तो टिकट हमने बुक कर ली थी। तो अभी हम यहाँ वेट कर रहे हैं ट्रेन का। ट्रेन आने वाली है, आ जाएगी 10-15 मिनट में। तो यहाँ से हम निकलेंगे सीधा मथुरा के लिए। फिर वहाँ का दिखाएँ। बाकी ये हमारे भैया जी मैं हूँ, ये भैया है हमारे। और इसको तो जानते ही होगे, ये जयपुर में गई थी साथ में। तो हम चार लोग जा रहे हैं साथ में। तो ये अपना बैग छोटको सा, एक इसके पास बैग है और एक भैया के पास बैग है। ज़्यादा एक दिन का स्टे रहेगा, सैटरडे संडे दो दिन बस। तो बाकी रास्ते में चलते चलते बताएंगे आपको सारा डिटेल। तो चलो ट्रेन आ गई है, अभी आएगी तो सही से दिखाएंगे। और हमारा जो कोच नंबर है D13 में है। ट्रेन आती है फिर बैठते भाई। टाइम हो गया है 6:50। टाइमिंग था इसका यहाँ से चलने का 7:10 का, और वहाँ पहुँचाने का टाइम है इसका 8:30। मतलब डेढ़ से दो घंटे में ये हमें मथुरा उतार देगी। और अगर हम बाय रोड जाते तो कम से कम 3 घंटा लग ही जाता है। तो अच्छा है, ट्रेन से भी जा सकते हैं और कॉस्टिंग भी ज़्यादा कुछ नहीं पड़ा हमें। जो वो बैठ के बताऊँगा ट्रेन में क्या कितने किराया कितने का पड़ा। ठीक है, फिर से बोलियो। कार ही गंदी है, कल से आके साफ करेगी गाड़ी। तो ये है कोई दरवाजा खोलने के लिए? नहीं भाई कोई नहीं है, हाथ मारते हैं तोड़ देते हैं। शीशा तोड़ दे क्या? ये आया तो था ही बंदा। तो हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम कहाँ आ गए हैं, कहाँ हम आलीशान महलों में रहने वाले बंदे आज यहाँ बैठ गए आके। अब इसलिए कहते हैं अपने अपने सीट पे विराजमान क्या कहते हैं विराजमान हो गए हैं। तो ये 3 सीट तो हमारा है, खिड़की वाले सीट पे ये बैठ गई चिपक के, हमें पता नहीं मिलेगा। और भैया उधर अकेला बैठा है सीट पे, दिख नहीं रहा। और अपना सामान यहाँ पे रख दिया है। तो हमारी ट्रेन ऑन टाइम पे खुल गई है 7:17। तू तो हटी जा वहाँ से, अच्छी नहीं लग रही है। मुझे आने दे वहाँ पे, खिड़की पे बैठ गई है। पानी का इंतजाम लड़का खुद से लेकर के आए, पैसा बचा। अच्छा भैया लाया पैसा। क्या खाया है? क्या खाया भाई? ये देखो, हाँ ये रहा, पूरा थैली भर के लाया है। क्या क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे सफर में। हाँ। सफर हमारे घंटे का ही है, बट खाने के चढ़े 3 दिन का है एक ही घंटे का। लेकिन इंतजाम पूरा है भाई, बंदोबस्त पूरा लेके चल रहे हैं। तो हम Insta360 भी लेकर के आए हैं अपना। तो अभी इससे वीडियो बनाते हैं, देखते हैं कैसे वीडियो आती है, फिर आपको भी दिखाते हैं। एक घंटे 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे हम। तो दोस्तों हम अपने ये कहते हैं वृंदावन नहीं सॉरी मथुरा के पावन धरती पे आ गए हैं। ये देखो, ये मथुरा का जग क्या कहते हैं बज गया 9 बज गया, मतलब अराउंड 2 घंटा लगा हमें यहाँ आने में। तो बढ़िया, ट्रेन थोड़ा लेट थी, ऐसे तो 8:30 बजे का टाइम था। तो जिसको ट्रेन से आना है उसके लिए मैं बता सकता हूँ कि बहुत सारे ऑप्शन है, ट्रेन बहुत है इधर आने के लिए। तो आप सर्च कर सकते हो। हमें तो वही चेयर कार मिला जो कि 90 या 100 रुपये का था ना, 100 रुपये का पर पर्सन का टिकट था, जो कि बहुत रिजनेबल है। तो अब यहाँ से सीन ये है कि अभी तो हमारे पास बैग लगेज वगैरह है, तो हम जा रहे हैं यहाँ से पहले वृंदावन जाएंगे। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे क्यों ना रेंट पे स्कूटी ले लिया जाए, जैसे आप लोगों ने जयपुर का ब्लॉग देखा हुआ। अगर आपने नहीं देखा अभी तक जयपुर का ब्लॉग तो वो जा कर के देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो देखते अगर मिल जाते यहाँ पे, अगर रेंट स्कूटी वगैरह है अवेलेबल तो वो उससे चले जाएंगे वृंदावन। अदरवाइज लोकल जो भी यहाँ पे चलता है देखते हैं। तो चले भाई,
हाँ भाई चलो 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 भाई, तो एक बार बोल दो सब राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा। तो चला जाए टिल्टी डाल रखा नीचे। तो दोस्तों बाइक नहीं लाया मैं, ऑफ रोडिंग नहीं कर सका, बट तो क्या हुआ यहाँ पे हम ऑफ रोडिंग पिछले आधे घंटे से कर। रोड देख रोड दिख रहा आपको, ये देखो रोड शरीर का पुर्जा पुर्जा हिल चुका है, जाके चोट अलग लग रही है, होटल में जाकर के टाइट करना पड़ेगा सारा नट जो ढीला हो गया। और इसको देखो ये तो सुन पड़ेगा कि कहाँ आ गया, ये देखो पूरा गांव है ये मथुरा वृंदावन का। ओ भाई साहब आराम से पलट ना जाए बस, मेरे को यही डर लग रहा है अपने राम आते ये भी एक धूल धूल मिट्टी मिट्टी धूल धूल। तो दोस्तों हम फाइनली भाई गर्मी तो बहुत है यहाँ पे भाई, एनर्जी डाउन हो गई भाई जैसे जैसे रोड से आए ना, कमर की ऐसी तैसी हो गई है। तो होटल होटल मिल गया हमें, ठीक ठाक सा होटल है क्योंकि भाई यहाँ आसपास ऐसी है और अच्छा लेने जाओगे तो वो बजट से बाहर भाई, और अभी सीज़न होली का टाइम है और सैटरडे ऐसी है तो ज़्यादा था। तो चलो ठीक था, इसका मैं लोकेशन डाल दूंगा, बाकी अभी जब नीचे जाऊँगा तो प्रॉपर दिखा दूँगा कि किस नाम से। और मुश्किल से 500 मीटर भी नहीं होगा यहाँ से आपका प्रेम मंदिर और स्कॉन टेम्पल और बाकी बिहारी भी यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास है, तो मेन रोड पे ही है। तो आपको दिखाऊंगा मैं नीचे जा करके, बाकी ये लोग हमारे हाँ भाई कैसा, सब थक गए हैं भाई, सबकी हालत ख़राब है, मेरी भी हालत ख़राब हो गई, थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर देखते कहाँ जाना है भाई। तो सबसे पहले कोई टाइम हो गया 11 बज चुका है, तो चलो फ्रेश होते पहले। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं, निकल चुके हैं अपने बाके बिहारी की ओर, ये सीधा बाके बिहारी है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है बाके बिहारी, देखते रिक्शा से। और भाई धूप बहुत ज़्यादा हो रखी है यहाँ पे भाई, अच्छी खासी गर्मी लग रही है, 12 बज रहे हैं अब लग रहा है ना दोस्तों कि हाँ भाई होली के होली हो रही है यहाँ पे भाई साहब, आनंद ही आनंद है दोस्तों, आनंद ही आनंद है। तो यहाँ पे कलर लिया जा रहा है, सबने चश्मा ले लिया भाई, बहुत ज्यादा धूप है और लोग रंग उड़ा रहे हैं तो आंखों में लग जाने की होती है, तो इसलिए हमने मैंने तो चश्मा पहन के आया था, ये बंदे मिल लिए तो सबने खरीद लिया चश्मा। और ये है बाके बिहारी का रोड, यहाँ से अंदर जाता है, देखते हैं भाई बता दो रे भीड़ है कितनी, भीड़ जाके देखते हैं। चलो चलो दोस्तों चलो, इसको देखो ये चश्मे को, बाकी बिहारी का ये रास्ता जा रहा है अंदर। तो चलो राधे राधे नाम लेते हुए, यहाँ पे भाई बंदर फोन उठा पकड़ छीन के भाग जाते हैं, फोन बचा के रखना फोन। ये देखो अभी वो चश्मा छीन के भाग गया, इसका अभी जस्ट खरीदे ही थे और उद्घाटन भाई वो पहन रहा है चश्मा, अब क्या करेंगे, फ्रूटी देखो तो कर दिया उसका। तो दोस्तों अभी हम कह ही रहे थे हाँ, और अभी हम कह ही रहे थे कि चश्मा ओजन छीन के उद्घाटन इसके साथ हुआ है। डाल दे डाल दे, बड़ा समझदार है यार ये तो, मतलब ब्लैकमेल ब्लैकमेल करता है ये ब्लैकमेल। बाहर अरे आवाज आ रही कि नहीं आ रही, हम बाहर हैं बाके बिहारी के, और ये देखो भीड़ देखो भीड़ देखो भीड़ भीड़
दोस्तों अभी इस गली में इतनी भीड़ थी, सांस लेने की जगह नहीं थी, और ये देखो खाली हो गया क्योंकि बाकी बिहारी मंदिर अभी बंद हो गया है। और सबसे जो ज़्यादा अंदर देखा आप लोगों ने भाई कितना भीड़ था, और सबके चप्पल इधर उधर, भाई आधे घंटे से मैं चप्पल ढूंढ रहा हूँ सबकी, सबके तो मिल गए, बस ये भैया का पता नहीं भैया के है कि नहीं, वही बताया जा रहा है उसके बाद। वो लोग पता नहीं किस गेट से निकल गए और हम जिस गेट से आए थे उसी गेट से वापस निकल गए। तो कॉल करता हूँ उनसे, पूछता हूँ कहाँ है। तो यहाँ अपनी लस्सी आ गई है और लस्सी पी रहे हैं। उन लोगों को कुछ पता नहीं भाई वो कहाँ निकल गए, हमें कुछ पता नहीं। अब हम डायरेक्ट उन्हें बोला होटल पर, होटल को बुला लिया उन्हें, अब होटल पर मिलेंगे सीधा। हाय, कहाँ से, कहाँ पे, कहाँ? 165 वर्ष बाद आखिर का ये तीन दो मिल गए। इसका एक इतने ये बहुत अच्छा काम किया, चप्पल एक हमारा, ये बहुत बढ़िया। किस किस का चप्पल है मुझे नहीं पता, ये तेरा ही है, यही है, देख भाई तुक्के में उठा के ले आया, यही निकला भाई साहब। गुड भैया गुड, तुम लोग कहाँ निकल गए थे दोस्तों? ठाकुर के वापस रोटी आ गया ना, तो यहाँ पे रुक गए भाई, अब थोड़ा खाना खा ले, सुबह से कुछ खाए नहीं थे, ठीक है होटल। और ये भाई पता नहीं किस बात के इसका बेचारे का, बाकी बिहारी मंदिर में किसी ने चश्मा छीन के चला गया, किसी ने पूछ दब गई थी बेचारी ये। तो खाना खाते फिर अब सीधा होटल पे जाते हैं। तो खाना खा लिया, पेट भर गया, वाला सारा भाई नींद आ रही है, ठीक है। मस्त खाना था भाई, खाना बहुत अच्छा था। और देखो इस होटल में रुके हैं हम, ये होटल श्री प्लेस करके है, और मेन रोड पे ये मेन रोड है ये, इधर आपका क्या कहते हैं, सॉरी इधर आपका स्कॉन टेंपल है, और इधर आपका क्या कहते हैं प्रेम मंदिर है। तो ये लोग पता नहीं कहाँ जा रहे भाई। तो ये तक आएंगे, हम चलते हैं रूम में, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर थोड़ा शाम होगा, अभी 2:30 बज रहा है, 4 बजे के आसपास फिर से उतरेंगे, फिर देखते कहाँ जाते हैं। बट मज़ा बहुत आया भाई, दर्शन हो गए हमारे बाकी बिहारी जी के, लास्ट टाइम आए थे तो हमें दर्शन नहीं हुए थे, बट इस बार हो गए। बट ये परेशान है, पता नहीं किस बात के लिए परेशान है ये। तो भीड़ बहुत था, नो डाउट भीड़ तो भाई, जब कि इतना भीड़ था, लेकिन मज़ा आया।